पन्ना जिले में वन माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं, वे आए दिन वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर। इस बात पर पीटीआर के बफर क्षेत्र की सबदुआ बीट में वन विभाग के अमले पर हमला किया। जंगल में रेत का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर विभागीय अमले ने रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक व कुछ साथियों ने बीट गार्ड सहित दो सुरक्षा श्रमिकों के साथ मारपीट की। ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वा कर ले गए पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन अंतर्गत सबदा बीट में वन विभाग के गश्ती दल पर रेत माफियों ने हमला कर दिया गया। इसमें वन रक्षक नितेश भदौरिया सहित दो सुरक्षा श्रमिक के साथ रेत माफियों ने मारपीट की। वन रक्षक नितेश भदौरिया ने बताया कि वो गश्ती के दौरान जैसे ही जंगल में स्थित नाला के पास पहुंचे, वहां कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भर रहे थे। इन्हें रोकने का प्रयास करने पर लगभग 7 लोगों ने वन अमले को घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए बलपूर्वक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़वा कर ले गए, जिसके बाद वन कर्मियों को तत्काल अजयगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां MLC एवं उपचार उपरांत अजयगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। हालांकि इसके पहले पन्ना के उत्तर खनन मंडल अंतर्गत सरकोहा बीट में 28 मई को हीरा माफियों ने वन रक्षक अर्पित चौरसिया पर जानलेवा हमला किया था। दक्षिण वन मंडल क्षेत्र के मोहंद्रा में 6 जून को वन माफियों ने वन कर्मी इंद्रबान अहिरवाल के आवास में घुसकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें वन कर्मी लहूलुहान हो गया, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसका अभी भी इलाज चल रहा है।